दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंग में से एक श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने वाला हूँ। 12 ज्योतिर्लिंग की मेरी यात्रा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने त्र्यंबकेश्वर, उज्जैन के महाकाल और ओंकारेश्वर के व्लॉग नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ये वीडियो होने के बाद आप वो जरूर देख लीजिए। तो यहाँ पे आने के बाद मैं आपको भीमा शंकर की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पे कहाँ रुकना है, कैसे आना है, खाना क्या क्या मिलेगा आपको, मेरा कहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, क्या क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगे मुझे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहेगा मेरे साथ और भीमा नदी का हम उगम भी देखेंगे, वो पॉइंट भी देखेंगे और दर्शन के बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको भीमा शंकर कैसे आना है उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। भीमा शंकर एक पहाड़ी पे है और यहाँ पे नियरेस्ट कोई एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन नहीं है। नियरेस्ट एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पुणे का ही आता है, जो 90 या फिर 100 किलोमीटर के आसपास है। आप आ रहे हो तो कार से आ सकते हो, कार से आ रहे हो तो बहुत सारा घाट व्यू आपको एंजॉय करने के लिए मिलेगा। लेकिन डिस्टेंस के हिसाब से आपको टाइम ज्यादा लग सकता है, 10 किलोमीटर के लिए भी शायद आपको कभी कभी आधा घंटा भी लग सकता है। ऐसे थोड़े थोड़े बीच में रोड खराब है। मैं जो आया था, मैं महाराष्ट्र रोड ट्रांसपोर्ट की बस से आया था। मुंबई से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, ठाणे के बस स्टॉप से मैंने जर्नी स्टार्ट की थी। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा, बस की कंडीशन भी काफी उतनी अच्छी नहीं थी, खराब थी। और उसके बाद पिकअप वगैरह कुछ नहीं था। 150 किलोमीटर के लिए बस ने लगभग 7 घंटे लगाए हैं। ठाणे के सेंट्रल बस स्टैंड खोपट के सुबह 7 बजे मेरी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। 7 बजे यहाँ पे भीमा शंकर की डायरेक्ट बस आएगी, जिसका टिकट मैंने ऑलरेडी बुक किया है, सीट रिजर्व की है। उसका टिकट मुझे गिरा था 340 रुपीज़ पर पर्सन और 6 घंटे का अप्रोक्स टाइम ही लेती है। लेकिन कहाँ जाता है, मोस्टली डिले होती है, 1 घंटा डिले हो सकती है, घाट का जर्नी है। तो वेट करेंगे हमारी बस आने के लिए, नॉन एसी बस है। तो ये सब बस की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। MSRTC की बहुत अच्छी क्वालिटी की अदर बस भी है जो मिठाई और नीमाराम टाइप की कैटेगरी में आती है, लेकिन मेरी बस की कैटेगरी उतनी अच्छी नहीं थी, बहुत खराब थी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो तो क्वालिटी ऑफ बस जरूर चेक करो, अदरवाइज दूसरी बस में जाके बैठ जाओ। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, पुणे से या फिर चाकन से आ सकते हो या फिर तळेगाव से भी आ सकते हो, तो फ्रीक्वेंसी वहां से काफी अच्छी आपको मिल जाएगी। अगर भीमा शंकर में स्टे के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे आप ऑनलाइन बुक करने लायक सिर्फ एक ही होटल है जो MTDC का है, लेकिन भीमा शंकर से 10 किलोमीटर दूर है तो आपको थोड़ा अप डाउन करना होगा। लेकिन यहाँ पे अगर स्टे के बारे में देखा जाए तो ये पूरा विलेज है, होम स्टेज आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। थोड़ा कॉस्टली है और उतना अच्छा सर्विस भी नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप वन डे ट्रिप करते हैं तो अच्छा रहेगा, या फिर आप MTDC में स्टे करते हैं या फिर थोड़ा सा पुणे के साइड में स्टे करते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। मेरे स्टे के बारे में भी आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो आपके सामने अभी जो होटल दिख रहा है ये मेरा स्टे है, भीमा शंकर के बस स्टैंड के एग्जैक्ट बाजू में ही है। ओवरऑल यहाँ के कम्पेयर ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन इसका प्राइस जो है, मैं आपको रूम दिखाता हूँ, तो रूम के साइज़ के हिसाब से प्राइस बहुत ज़्यादा है। ये बस स्टॉप प्लस पार्किंग है मेन, और यहाँ पे ही ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है भीमा शंकर होम स्टे, यहाँ पे मैं रुका हूँ। दो है इसमें अलग अलग बिल्डिंग, एक ही है लेकिन दो ओनर चलाते हैं, दो अलग अलग है।
मंदिर के पास ऐसे फैमिली रूम्स भी है, आपको छोटे भी रूम मिल जाएंगे। इसका चार्ज 800 रुपये ही है, लेकिन पत्थर के शेड के और कॉमन टॉयलेट वाले है। खाने के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे मंदिर के पास आपको महाराष्ट्रीयन खाना बहुत मिल जाएगा, राजस्थानी गुजराती खाना भी मिलता है, लेकिन मंदिर से थोड़ा सा दूर मिलता है। थाली वगैरह का ऑप्शन रहता है, स्नैक्स के वगैरह बहुत ऑप्शंस है। थाली यहाँ पे महाराष्ट्रीयन आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएगी। एक्स्ट्रा स्पाइसी रहती है थोड़ी सी, तो शायद आपको दिक्कत हो सकती है, मुझे तो अच्छी लगती है। तो चलो खाने के बारे में डिस्कस करने के बाद अभी मंदिर में जाते हैं और भीमा शंकर के दर्शन लेते हैं। मैं आपको भीमा नदी का उगम स्थान भी दिखाऊंगा और दर्शन भी कराऊंगा और वहां का रूल्स वगैरह भी आपको बताऊंगा। तो चलो निकलते हैं। मॉर्निंग दोस्तों, दर्शन मेरे कल रात को ही हो गए थे, मैं कल रात को यहाँ पे आया था। आज थोड़ा सा क्लियर इन्वायरमेंट है, कल इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम था, यहाँ पे बहुत तेज से बारिश भी थी और काफी फॉगी इन्वायरमेंट था, इसलिए मैं ज्यादा शूट नहीं कर पाया। लेकिन आज मैं आपको भीमा शंकर का पूरा नेचर का व्यू दिखाने वाला हूँ, साथ ही साथ भीमा नदी का उगम स्थान भी दिखाने वाला हूँ और एक बार फिर से हम भीमा शंकर के दर्शन के लिए जाएंगे। तो चलो निकलते हैं। भीमा नदी का उगम स्थान हमने देखा है, एक्चुअली यही है जहां से भीमा नदी का जल थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होता है। मंदिर के पास भी आपको जल थोड़ा सा ज्यादा फ्लो में मिलेगा, तो वो भी हम देखेंगे दर्शन होने के बाद। चलो वहां पे जाते हैं।
ठीक है तीन सौ से ऊपर ये स्टेप्स है जो आपको उतर के दर्शन के लिए जाना है और वापस आते वक्त चढ़ना है। मंदिर नीचे है इसलिए, और इस रास्ते पर आपको बेल फूल प्रसाद का सामान मिल जाएगा तो आप ले सकते हैं। कहते हैं किसी भी मंदिर में खाली माथा नहीं जाना चाहिए, और मैं तो भोलेनाथ के दर्शन के लिए जाने वाला हूँ तो मैंने बहुत सारा लगा दिया है। तो चलो दर्शन के लिए जाते हैं। अभी क्यों मैं लगा हूँ, सुबह सुबह का टाइम है, कुछ रश नहीं है, भले ही संडे है आज, तो चलो जाते हैं। अगर आप दर्शन करते हो सुबह या फिर शाम के समय 6-7 बजे तो ज़्यादा आपको रश नहीं मिलेगा और आपको स्पेशल एंट्री दर्शन ऐसा कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दर्शन मेरे हो चुके हैं, आपने भी शायद दर्शन लिए होंगे। थोड़ा सा मैंने वीडियोग्राफी निकाला था बाहर से जो एलईडी स्क्रीन पर डिस्प्ले था, और दर्शन काफी अच्छी तरह से हुए, कुछ भी रश नहीं थी। सुबह सुबह का टाइम है, क्लियर इन्वायरमेंट है, इसलिए आपको मंदिर भी अच्छी तरह से दिख रहा होगा। बारिश का सीजन है तो मोस्टली रेयर होता है यहाँ पे फॉगी इन्वायरमेंट ज्यादा होता है, बारिश चल रही होती है तो आपको ज्यादा व्यू दिखाई नहीं देता है, लेकिन काफी अच्छी तरह से हमें मंदिर के भी दर्शन हुए हैं। तो चलो अभी थोड़ा सा भीमा नदी के पास जाते हैं, यहाँ से जो निकलती है मंदिर के पास से। ये मंदिर के साइड में ही जैसे आप बाहर निकलते हो तो आपको यहाँ पे भीमा नदी का घूमसान दिख जाएगा। एक्चुअली वहाँ से थोड़ा थोड़ा जल निकलना स्टार्ट होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में निकलता है, और उस साइड देखिए कैसे फ्लो हो रहा है। इस साइड ये फ्लो होता है और आगे जाके इसका ज़्यादा पानी आ जाएगा और आगे वो नदी फ्लो होते जाएगी। ये भीमा नदी का उगम स्थान के बाजू में ही एक श्रीराम का मंदिर है। मैं कल रात यहाँ पे गया था और आपको वीडियोग्राफी में भी दिखाया था, तो अंदर श्रीराम का मंदिर है, राधा कृष्ण का मूर्ति है, दुर्गा माता की भी मूर्ति है। तो मैं दर्शन लेता हूँ और आगे हमारे रूम पे जाते हैं, और मुझे निकलना भी है तो फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तो दर्शन करके मैं एक बार फिर से मेरे रूम पे आ चुका हूँ, और अभी टाइम है आपसे गुड बाय बोलने का। लेकिन आपको भीमा शंकर के दर्शन, ये व्लॉग भीमा नदी के दर्शन और यहाँ के बारे में इन्फॉर्मेशन कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बने रहिए मेरे साथ ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए। नेक्स्ट व्लॉग आपको कौन से ज्योतिर्लिंग का देखना है वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। सोमनाथ या फिर नागनाथ या फिर वैद्यनाथ, ये तीनों में से आपको कौन सा देखना है कमेंट करके जरूर बताइए। मैं ट्राई करूंगा वहां पे जाने का और आपके लिए व्लॉग जरूर बनाऊंगा। ये भीमाशंकर गांव का व्यू है हमारे होटल से, और हमारे होटल का नजारा देखते हैं। ऐसे कुछ रूम्स है यहाँ पे, और ये वाला एक सिंगल रूम था, इसको उन्होंने 2 रूम बना दिए। आगे वाला अलग है, लेकिन ये जो पार्टीशन लगाया है ये मेरा रूम है, छोटा सा ही है। 1500 में मुझे थोड़ा सा महंगा ही गिरा है, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा महंगा गिरा है, लेकिन इस रीजन में तो आपको ये टॉलरेट करना ही पड़ेगा।